आप सभी का स्वागत है जेपी पाठशाला में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ नया सबसे अलग। दोस्तों क्यूब यानी कि घन, आप एक से लेकर 100 तक का क्यूब मात्र 5 सेकंड के दोस्तों अंदर आप कैसे निकालेंगे देखिए। दोस्तों ट्रिक नंबर पहला मेरा है सबसे पहला कि अगर दहाई का अंक दोस्तों अगर एक दिया हो, जैसे दोस्तों इससे 12 में दहाई का दोस्तों अंक एक है, जैसे दोस्तों 13 में एक है, 19 में दोस्तों एक होता है, 18 में। दूसरा दोस्तों सीखेंगे अगर इकाई का अंक दोस्तों एक दिया है, यानी 21 में, 31 में, 41, 51 दोस्तों कुछ में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, 3 लकीर देना, 1 लकीर, 2 लकीर, दोस्तों 3 लकीर हमने दे दिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, दोस्तों अगर एक लिखा हुआ है तो आप यहाँ एक लिख दीजिए, दोस्तों दो लिखा है तो आप यहाँ दो लिख दीजिए। फिर दोस्तों क्या करना है, ये दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 4, 4 लिखना है दोस्तों। दो का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 8, दोस्तों यहाँ पे 8 लिखना है। उसके बाद दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, पहला वाला को छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा और तीसरा वाला दोस्तों यानी 2 और दोस्तों 4 दोनों का डबल कीजिए, यानी 4 का डबल दोस्तों 8 होगा, यहाँ 8 लिखिए, 2 का डबल दोस्तों 4 होगा, यहाँ दोस्तों आप 4 लिखिए। अब दोस्तों क्या करना है, इसको ऐड करना है, जैसे 8 का 8 लिखेंगे, 4 8 दोस्तों 12 होगा, 12 का 2 लिखेंगे, दोस्तों 1 बचेगा कैरी, इसके ऊपर लिखेंगे 2 1 3 दोस्तों 4 दोस्तों 7 हो गया, 7 लिखेंगे, 1 का दोस्तों 1। देखिए दोस्तों आंसर बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि 12 का क्यूब दोस्तों 1728 होगा। यहाँ दोस्तों हम 13 का क्यूब लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, दोस्तों 3 लकीर। उसके बाद क्या करना, अगर दोस्तों 1 है तो 1 लिखिए, 3 है दोस्तों 3 लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, 9 लिखे, 3 का दोस्तों आप क्यूब लिखना है, 3 का क्यूब दोस्तों क्या लिखा, 27। उसके बाद हमने क्या बताया था, पहले वाले नंबर को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डबल, 9 का डबल दोस्तों क्या होगा, 18 दोस्तों लिख दिए। फिर दोस्तों इसका डबल, 3 का डबल दोस्तों 6 दोस्तों आप यहाँ पर लिखना है। दोस्तों अब सीखने वाली बात यह है, यहाँ जो दोस्तों हम नंबर लिखेंगे हमेशा एक अंक का लिखेंगे, दोस्तों अगर 7 है 7 लिखेंगे दोस्तों, क्यों दोस्तों इसमें दोस्तों अगर डबल आ गया यानी 27 है तो 2 को दोस्तों हम क्या करेंगे, कैरी को यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, 18 दोस्तों 20 ना 29, फिर दोस्तों 29 का 9 ही लिखेंगे, 2 जो बच गया कैरी उसको इस पीछे वाला में डाल देंगे दोस्तों, 3 2 5 6 दोस्तों 11 का दोस्तों 1 होगा, फिर 1 कैरी को यहाँ डालिए, 1 1 दोस्तों 2, यानी दोस्तों क्या हो गया, 13 का क्यूब दोस्तों 2197 हो गया। दोस्तों ये टाइप नंबर 2 हम लिए है, अगर इकाई अंक दोस्तों अगर 1 है यानी 21 41 कुछ भी, तो दोस्तों बस सेम नियम अपनाना है, क्या करना है, 3 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, दोस्तों 3 लकीर। हमने क्या बताया था, अगर देखिए इसमें अगर दहाई के अंक पर अगर 1 है तो आप इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर इकाई अंक पर दोस्तों अगर 1 है इधर से 1 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए दोस्तों, 2 है तो 2 लिखिए, फिर क्या बताए थे, 2 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 4, फिर 2 का क्यूब दोस्तों क्या होगा, 8। यहाँ तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं, फिर क्या करना है, 2 का डबल दोस्तों 4, 4 का डबल दोस्तों 8। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, बस ऐड कीजिए, 1 का 1, 4 2 दोस्तों 6 होगा, 4 8 दोस्तों 12 का 2 होगा, 1 बचेगा यहाँ लिखेंगे, और 8 8 दोस्तों 9, यानी दोस्तों 21 का दोस्तों क्यूब क्या होगा, 9261। दोस्तों आप क्या कीजिए, 31 का क्यूब दोस्तों हमने क्या बताया, 31 का क्यूब का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पिन कीजिएगा, इसके बाद दोस्तों और हम बेहतरीन लेंगे, इसके बाद आप कोई भी नंबर उठाइए उसका क्यूब दोस्तों आप आसानी से कीजिए। दोस्तों जैसे अब हम क्या लिए हैं, 22 44 56, यानी इकाई अंक और दहाई अंक दोनों अगर दोस्तों सेम है, सबसे आसान ट्रिक दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहला काम 3 लकीर, 1 2 3 दोस्तों क्या बताया, अगर इकाई दहाई अगर दोनों दोस्तों सेम है क्या करेंगे, 2 का क्यूब दोस्तों क्या होगा, 8 दोस्तों हर जगह 8 लिखे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 दोस्तों 8, यानी जो नंबर है उसका क्यूब कीजिए और 3 जगह दोस्तों सेम लिखिए। फिर क्या बताए थे, पहला को छोड़िए दूसरा का डबल, यानी 8 का डबल दोस्तों 16, यहाँ 8 का डबल दोस्तों 16, बस ऐड कीजिए, 8 का 8 दोस्तों 16, 8 दोस्तों 24, 24 का 4 लिखिए, बचेगा दोस्तों 2, 2 को यहाँ लिखिए दोस्तों, 8 2 10 दोस्तों 10, 16 दोस्तों 26, 26 का 6 लिखिए, बचेगा 2, इसमें यहाँ लिखिए 8 2 दोस्तों 10, यानी 10648। दोस्तों आप क्या कीजिए, घर पे 44 55 66 इस सब का दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे तो ये क्या है, 25 दोस्तों 35, कोई भी नंबर लीजिए 1 से लेकर दोस्तों 100 तक का, आप उसका आसानी से दोस्तों इस ट्रिक का हम
उपयोग करें। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, तीन डिब्बा, एक डिब्बा, दो डिब्बा, दोस्तों तीन डिब्बा। दोस्तों करना क्या है, दोस्तों दो है, दो का क्यूब दोस्तों क्या होगा, एक, एक लिखना है दोस्तों, फाइव है दोस्तों, फाइव का क्यूब दोस्तों कितना होगा 125, इसको दोस्तों वहां लिखना है। फिर दोस्तों क्या करना है, पहले वाला का स्क्वायर कीजिए, उसको डबल दूसरे वाला से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी दो का स्क्वायर करना है उसको, और दूसरा नंबर दोस्तों फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए। दोस्तों दो का स्क्वायर चार, पांच दोस्तों क्या होगा 20 लिखना है। दोस्तों इस डिब्बा में क्या करना है, पहले वाला को छोड़ दिया, दो को छोड़िए दोस्तों, फाइव है तो फाइव का स्क्वायर कीजिए दोस्तों, कितना होगा 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, दूना दोस्तों क्या होगा 50। दोस्तों फिर क्या करना है, 50 का डबल यहाँ लिखना है यानी 100, और 20 का डबल दोस्तों 40। दोस्तों अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्या करें दोस्तों, फाइव है तो फाइव लिखेंगे दोस्तों, हमेशा हमेशा एक कम दोस्तों बच गया 12, इस 12 को दोस्तों यहाँ लिखिए, तो 150 दोस्तों 150, 160 62, 62 का दो लिखेंगे तो 162 का दो बचेगा दोस्तों 16, 16 को आप यहाँ लिखिए, 40 20 दोस्तों 60, 70 दोस्तों 76, दोस्तों 76 का 6 लिखेंगे दोस्तों बचेगा कितना 7, 8 दोस्तों 15, यानी 15,000 दोस्तों 625 दोस्तों इसका आंसर हो गया। इसको दोस्तों 35, 47, 30 किसी भी नंबर का आप दोस्तों क्यूब इस टेक्निक से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।